दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम एक और राजनीतिक किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। बात पुरानी है लेकिन काफी दिलचस्प है, इसको थोड़ा समझने का आप प्रयास करिए। उमाचरण गुप्ता व्यवसायी है, उन्होंने कई बार पार्टियां बदली हैं। वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और कांग्रेस ज्वाइन किया और कुंवर अर्जुन सिंह के हाथों उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस सदस्यता के थोड़ी देर बाद कुंवर अर्जुन सिंह ने सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता को जब संबोधित कर रहे थे तो सतना के जाने माने पत्रकार निरंजन शर्मा ने एक प्रश्न लगातार 3 बार इस ढंग से पूछा जैसे वह कोई व्यक्तिगत खुंदस के द्वारा प्रश्न पूछ रहे। पहले आप प्रश्न सुनिए। निरंजन शर्मा ने कुंवर अर्जुन सिंह से पूछा कि आप उमाचरण गुप्ता को कांग्रेस में शामिल करके इसे कांग्रेस की उपलब्धि बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उमाचरण गुप्ता जीप चोर हैं? कुंवर अर्जुन सिंह ने अनभिज्ञता जाहिर की कि मुझे नहीं मालूम था, आपने अभी बताया तो मुझे जानकारी हुई। तुरंत पत्रकार निरंजन शर्मा ने प्रश्न किया कि आपको कांग्रेस में उनको लेने के पहले यह पता करना चाहिए था। कुंवर अर्जुन सिंह ने बहुत सहजता से उत्तर दिया कि ठीक है, आपने जानकारी दे दी है, मैं इसको देखूंगा। फिर निरंजन शर्मा ने कहा कि आप तो उनके घर भी गए थे, आपने जीप चोरी मामले में पहले पता क्यों नहीं किया? इस बात का कुंवर अर्जुन सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया, मगर एक कड़ी निगाह से, तिरछी निगाह से पत्रकार निरंजन शर्मा की ओर उन्होंने जरूर देखा। बात आई गई हो गई। इसके बाद कुछ पत्रकारों ने और सवाल किए और पत्रकार वार्ता समाप्त हो गई, मगर इस बात की चर्चा पूरे सतना जिले में, मैं कहूंगा पूरे विंध्य प्रदेश में बहुत तेज से फैली। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक यह था कि हमारे यहां जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिसे कोई पाट नहीं सकता, जिसे कोई भर नहीं सकता। क्योंकि कुंवर अर्जुन सिंह क्षत्रिय और प्रश्न पूछने वाले पत्रकार निरंजन शर्मा ब्राह्मण, इस कारण इस विषय को बहुत तुल दिया गया कि पत्रकार निरंजन शर्मा ने कुंवर अर्जुन सिंह के सामने ऐसे सवाल पूछे कि कुंवर अर्जुन सिंह की उन्होंने पूरी इज्जत धो दी। खैर, यह चर्चा कुछ दिनों के लिए बहुत गर्मा गर्म बनी रही। ठीक 10 दिन बाद उमाचरण गुप्ता एक दैनिक सांध्य अखबार के मालिक थे, उनके यहां निरंजन शर्मा ने बतौर संपादक नौकरी कर ली। अब इस नौकरी में निरंजन शर्मा ने कुछ शर्तें रखी, वो संपादक बने, उनको सारी सुविधाएं दी गई, अलग से चेंबर दिया गया, एक गाड़ी फिएट दी गई, टेलीफोन दिया गया, क्योंकि उस समय टेलीफोन भी काफी महत्वपूर्ण था, तो एक टेलीफोन दी गई। इसके बावजूद निरंजन शर्मा ने शायद 2 शर्तें और रखी थी कि ईश्वर चंद त्रिपाठी और एक कोई और राजू शर्मा नामक लड़का था, इन दोनों को भी हमारे साथ इस अखबार में नौकरी दी जाए। उन दोनों को भी निरंजन शर्मा के साथ में नौकरी दी गई थी। 3 लोग एक साथ टुडे न्यूज अखबार में नौकरी करने लगे। जब निरंजन शर्मा ने यह अखबार ज्वाइन किया तब ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने उमाचरण गुप्ता वैश्य बनिया होने के बावजूद उनके पैर छुए और पैर छू के उन्होंने नेशनल टुडे न्यूज अखबार ज्वाइन किया। बहुत अच्छा, यह अखबार निरंजन शर्मा के देखरेख में बहुत अच्छे से चलता रहा। लेकिन ठीक 3 महीने बाद उमाचरण गुप्ता के यहां से शायद उनके बेटे शिवा अग्रहरी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, बाहर कर दिया गया। अब वह यहां से नौकरी से बाहर निकाले जा चुके थे और निरंजन शर्मा के साथ साथ उनके साथ ईश्वर चंद त्रिपाठी और वह राजू शर्मा भी बाहर हो चुके थे। अब आप यह देखें कि क्या उमाचरण गुप्ता के पास इतना दिमाग था, क्या वह
तुरंत निरंजन शर्मा को अपने यहाँ नौकरी दे सकते थे या ऐसा वो सोच सकते थे? इसके पीछे निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि कुंवर अर्जुन सिंह की ही सोच थी, इसीलिए लोग उन्हें राजनीति का चाणक्य आज भी कहते हैं। इसके बाद निरंजन शर्मा के पत्रकारिता का जो दौर था वह नीचे की ओर आना शुरू हुआ और वह इस कदर पत्रकारिता से दूर हुए कि उन्हें सतना में कोई नौकरी नहीं दे रहा था, कोई भी अखबार मालिक अपनी संस्था में नहीं लेना चाह रहा था। कुछ समय के लिए वो सतना छोड़ के नागपुर भी दैनिक भास्कर के संपादक बने, स्थानीय संपादक के तौर पर उन्होंने नागपुर में नौकरी की। इसके बावजूद वह केजेएस सीमेंट फैक्ट्री में सर्विस किए, आज केजेएस से भी वह छोड़कर शायद घर आ गए हैं। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं एक घटनाक्रम की कि महज एक प्रश्न को तूल देकर एक पत्रकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मैं यह भी नहीं कहता कि आप चमचे बनिए, मैं भी किसी का चमचा नहीं हूं, मैं चमचागिरी नहीं करता और ना ही चमचा बनना पसंद करता हूं, मगर जातिवाद पर या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ इतने आक्षेप के साथ कोई सवाल करना। आपने एक बार सवाल किया कि वह उमाचरण गुप्ता जीप चोर है, इटारसी में उनके खिलाफ कमांडर जीप चोरी का मामला दर्ज हुआ था। ठीक है, यह जानकारी कुंवर अर्जुन सिंह को नहीं थी, वह केंद्रीय मंत्री थे, आपने उनको बता दिया, यह बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक प्रश्न को बार बार करना मतलब यह प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बात है जो आप या तो उमाचरण को या तो कुंवर अर्जुन सिंह को आप नीचा दिखाना चाहते हैं। यह घटना किस ढंग से गड़ गई कुंवर अर्जुन सिंह के दिल में और उस घटना के बाद एक व्यक्ति की पत्रकारिता लगभग मेरे हिसाब से शहीद सी हो गई। निरंजन शर्मा ने कुछ समय तक जनसत्ता में भी अपने आर्टिकल लिखे हैं, आज वह फेसबुक पर बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी लेखनी बहुत अच्छी है। लेकिन जाने क्यों, या तो उनकी सोच थी या उनके पीछे किसी राजनीतिक व्यक्ति की सोच थी या जातिवादी सोच थी, क्या था यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था और उस घटना का परिणाम इस ढंग से सामने आया।